I'll share my like how I traveled and all of that about the Indian visa, no visa. What do you basically need there? Hello and welcome back to my channel. So, अभी हम हैं काठमांडू में और काठमांडू में हम हैं नेपाल. Hello and welcome back to my channel. तो अभी हम हैं काठमांडू में नहीं हैं हम. Hello and welcome back to my channel. तो अभी हम पहुँचे हैं नेपाल और नेपाल में हम हैं काठमांडू में और काठमांडू में हम हैं थामेल करके एक जगह है विच इज़ लाइक अ टूरिस्टी प्लेस. वी कुड से पहाड़गंज ऑफ न्यू दिल्ली. उस वाली शॉप में गोट के फेसेस थे. तो अभी हम हैं असन मार्केट में. आई थिंक इसको यहाँ पे असन मार्केट ही कहा जाता है नेपाल में काठमांडू में. और ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस मार्केट्स ऑफ काठमांडू है. सॉरी मेरे को थोड़ा हाथ दर्द हो रहा है. और अभी हम हैं इस चौक पे. ये देखो तो यहाँ पर आपको वेजिटेबल्स भी दिखेंगे. ये रिक्शा कितना कूल है. ये आगे भैया के लिए यहाँ पे छाता है वेजिटेबल्स एंड ऑल. इट्स अ रियली कूल चौक. आई थिंक भैया ये असन मार्केट इस तरह ये इधर जाएंगे तो भी है. ये भी असन है. ओके थैंक यू. देखिए यहाँ पे मंदिर देखो कितनी पुरानी दुकान है. मतलब पुराना घर हो गया. सूटकेस पाइंस. वाव आई लव इट. आई होप आपको सही दिख रहा है. तो आज हम एक बहुत एक्साइटिंग जगह है नेपाल में और ये काठमांडू के बहुत पास है. बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं जाते लेकिन मेरे को ऐसे था कि अगर मेरे को इस जगह के बारे में पता चले तो मेरे को आपको लेके आना है. और ये है भक्तापुर का दरबार स्क्वायर. भक्तापुर है आपका कुछ 40-45 मिनट की राइड होगी काठमांडू से. और ये बेसिकली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आता है. और यहाँ पे आने के लिए आपको 500 रुपये देने हैं नेपाली रुपए. और ये बेसिकली एक पूरी सिटी है. तो यहाँ आप मतलब बेसिकली सिटी में आके घूम रहे हो. नॉट जस्ट अ मॉन्यूमेंट बट द एंटायर सिटी इज़ द वर्ल्ड हेरिटेज. अब आप बताओ. थैंक यू. वेज ही होता है. नहीं वेज है ना. वेज सो इट्स यूजुअली वेज ओनली बट आई एम आस्किंग अगेन बिकॉज हियर इन नेपाल एट ऑलमोस्ट एवरी रेस्टोरेंट यू गेट अ बीफ बफेलो. सो या इवन इन दिस वन आई वाज लाइक ओके लेट्स जस्ट मेक श्योर. या सो दिस इज कॉल्ड लापिंग एंड दिस वन इज विद वाई नूडल्स. आई लव इट. ओके It's also with the peanuts.
इनसेन। वो लिविंग म्यूजियम भी बोला जाता है। और अभी हमें पर्टिकुलरली पॉटरी स्क्वायर में, जहाँ पर पॉटरी होती है, यहाँ पर पॉटरी ट्रेनिंग क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, आई थिंक 1-2 डे ट्रेनिंग। एंड देन एज यू कैन सी द होल स्क्वायर इज फुल ऑफ पॉटरी थिंग्स। और अभी हम जा रहे हैं दरबार स्क्वायर की तरफ चलते चलते। आप कौन सा रेकमेंड करोगे, कोकोनट, चॉकलेट, ब्लूबेरी? सबसे अच्छा होता है। ठीक है, ज़्यादा सेल्स ब्लूबेरी होता है। ब्लूबेरी ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा लोगों को पसंद है। ओके ठीक है, तो फिर मैं भी ब्लूबेरी लूँगी। और इसमें ऑलरेडी बोबा होगा? ऑलरेडी बोबा होगा, आपको एक्स्ट्रा टॉपिंग करना है तो हाँ एक्स्ट्रा 50 चार्ज। ठीक है, आप कर दीजिए, एक्स्ट्रा टॉपिंग कर दीजिए। और ये बोबा बबल की करना, जो बबल ऐसे वाले वो होते हैं। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। ओके, सो फाइनली वी आर हैविंग बोबा टी एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। आराम से बैठ के पियेंगी। ये मैं पी के आपको पैसे दे दूँ? इधर ही सामने ही। ये रहा हमारा बबल टी फ्रॉम मिनी डिलाइट्स। ओके, मैं आप लोग के सामने एक सब पीती हूँ और फिर अकेले में पीती हूँ। टू गुड। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो बेसिकली आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एज एन इंडियन सिटीजन? क्या पासपोर्ट मैंडेटरी है? क्या कोई सर्टिफिकेट भी चाहिए एम्बेसी ऑफ इंडिया या नेपाल से? तो ये सब चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो अगर आप इंडियन सिटीजन हो, आप दो डॉक्यूमेंट्स के साथ नेपाल एंटर कर सकते हो, जिसमें से एक हो गया आपका पासपोर्ट, जिससे आप मतलब आ ही सकते हो, लेकिन दूसरी आईडी जिसके साथ आप नेपाल में आ सकते हो वो है आपका वोटर आईडी कार्ड। तो और कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं चलता, जैसे कि अपना आधार हो गया, पैन हो गया, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। आपका अगर चलेगा तो सिर्फ वोटर आईडी ही चलेगा। और जैसे आप एयरपोर्ट पे गए, वहाँ पर आपने अपना वोटर आईडी और टिकट के साथ एंटर किया, फिर जब सिक्योरिटी का चेक होता है इमिग्रेशन के टाइम पे, तो बहुत सारी लाइन होती हैं जिनके पास पासपोर्ट, जो थ्रू पासपोर्ट आए हैं, बट एक डेडिकेटेड लाइन है वोटर आईडी वालों के लिए। तो अगर आप वोटर आईडी वाले हैं तो आपको उस लाइन में लगना होगा और फिर आप यहाँ आ सकते हो। और इमिग्रेशन भी काफ़ी ईजी था मेरे लिए, मतलब इंडिया से इधर आना वॉज वेरी ईजी। एक तो भीड़ भी नहीं थी ज़्यादा, और उसके बाद ये वोटर आईडी का कोई ऐसे चक्कर नहीं पड़ा। और सिक्योरिटी के टाइम पे उन्होंने ये ज़रूर पूछा था कि आपका पर्पस ऑफ विज़िट क्या है, रिटर्न डेट कौन सी है, और ये सब। और फिर जब मैं नेपाल आई थी तो वहाँ पे फिर से आपकी चेकिंग होती है, मतलब फिर से आपका बैग जो है
इस इमिग्रेशन में पहले आपका बैग चेक होता है, वैसे ही नेपाल पहुंचने के बाद भी आपका बैग चेक होगा। और सॉरी, ये अभी सुबह के 7 बज रहे हैं थामेल में, 7 भी नहीं बजे, 6। मैं एक सेकंड में ये क्रॉस करके बताती हूँ कि हम कहाँ हैं। तो बेसिकली हम हैं काठमांडू में, काठमांडू में हम हैं थामेल एरिया में, और बेसिकली वी वर जस्ट डूइंग आवर फर्स्ट इम्प्रेशन इन नेपाल, एंड आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर मोमोज बट आई कुडंट फाइंड। तो अब हम हॉस्टल की तरफ जाते जाते अगर थैंकफुली होपफुली मोमोज मिल जाए तो मज़े आ जाएंगे। मेरे कैमरा और मेरे फ़ोन की बैटरी अभी लिटरली सेम है, 12-12%। वहाँ से अंदर जाने में कह रहे हैं, सो द टिकट टू एंटर दरबार स्क्वायर फॉर इंडियंस इज 500 रुपीज। आई एम अ ब्लॉगर, यस, ऑन यूट्यूब आई एम कॉल्ड शी वॉक इन। थैंक यू, बाय बाय। सो दिस इज द टिकट दैट यू गेट to enter the Darbar Square for Indians, it is how much? 500 rupees. And this is multiple entries. तो अब मैं सुबह 8 बजे यहाँ पर आई हूँ, बट क्योंकि मुझे यहाँ पे हर लाइट में शूट करना है तो थैंक यू। तो मल्टीपल एंट्रीज मैं इस कार्ड से ले सकती हूँ, विच इज़ ऑसम, फेमस है। हाँ मैं ले लेती हूँ। दूध वाली एक मैं चाय ले लेती हूँ। मामा फिर से फाड़ो ढंग से। मामा अच्छा, वेरी ओल्ड शॉप, वेरी ओल्ड। 40 अब बोलो ना अपना बात जो बोलते हो। कितना साल का एक्सपीरियंस? 30 इयर्स। हिंदी में बोलो, हिंदी में। हिंदी बोलते हैं हिंदुस्तान से? नहीं, हिंदुस्तान से। हमारी बहन हिंदुस्तान से, हिंदी में बातें करो। हमारी मजबूत है। दे चाय दे, चाय दे, ब्यूटी ला चाय दे, हैंडसम ला चाय दे। हाँ जी, चाय देना। थैंक यू। चाय दे वाली, दो दूध वाली दे। अभी थोड़ी देर पहले मैं मामा के पास था। लड़का सही है। ये है DJI Osmo। थैंक यू। ये लो, आप ये लो। ले लो, ले लो। आप ब्लॉगिंग भी करते हो क्या? हाँ जी, यूट्यूब चैनल है। बढ़िया वाला है कि छोटा ही है अभी तो? चलो अब उठ जाएगा। नेपाल आगे तो उठ जाएगा। ऐसा नहीं है, तो नेपाल ना बहुत पीसफुल सी जगह है। Thank you.
Maybe we can walk around first and then. Let's yeah, take a couple laps. So, ये है स्वयंभूनाथ मंदिर, लेकिन हम थोड़ा सा घूम के आते हैं. एक सेकंड देना है यार, फोन से भी बना लूं. How has it been for me so far? तो honestly मैं सच बताऊं तो यार, इंडिया में लोग क्यों नहीं आ रहे नेपाल घूमने, मुझे नहीं समझ में आ रहा. ये क्या तो प्यारी कंट्री है यार. द पीपल आर सो नाइस, दे आर सो पीसफुल एंड सेफ्टी वाइज. वन सेकेंड, यू हैव टू सी दिस. सो दिस इज काल भैरवा, आर गॉड, विच इज वन ऑफ द लाइक विच इज ऑल्सो लॉर्ड शिवा बेसिकली. राइट हियर एट दरबार स्क्वायर देर इज काल भैरवा. हाँ, तो बेसिकली हम हैं अभी दरबार स्क्वायर में, और एज इंडियन सिटीजन टू एंटर हियर इट्स 500 नेपाली रुपीस, एंड फॉर फॉरेनर्स वेस्टर्नर्स इट्स 1000 रुपीस नेपाली रुपीस. तो आई थिंक रफली इंडियंस के लिए ये पड़ेगा 300-350 इंडियन रुपीस में. हाँ, तो मैं कह रही थी थोड़ा अभी, वैसे तो पूरा ही बहुत सुंदर है, लेकिन मैं 2 मिनट अपने आप को दिखा रही. हाँ, तो ऑनेस्टली एक तो बहुत ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट मुझे नहीं दिख रहे, तो आना चाहिए. बट हाँ, मतलब अच्छा भी है कि थोड़े कम टूरिस्ट हैं, बट ऑफ कोर्स आना चाहिए, बहुत सुंदर देश है. दूसरी चीज़ ये है, काफ़ी सेफ है यार. मतलब नोबडी इज़ मेकिंग यू फील अनकम्फर्टेबल और अनसेफ. लाइक इवन this outfit that I'm wearing, like people don't care, you wear whatever, nobody is looking at you, not even like below face or anything, they are not looking at you, they don't care. So that feels really good. तो safety wise मैं कहूँगी कि ये तो बहुत ही शानदार है, ऐसी कोई बात नहीं है. फिर आने के लिए क्या चाहिए आपको, दो चीज़ें चाहिए एज इंडियन सिटीज़न. आपको दो चीज़ें चाहिए, या तो आपको चाहिए पासपोर्ट, या आपको चाहिए वोटर आईडी कार्ड, और कोई डॉक्यूमेंट की अब नीड नहीं है. कोविड के टाइम पे एक और पेपर आपको साइन करके ये सब था. अगेन वन सेकेंड, मैं डिस्ट्रैक्टेड इसलिए हूँ क्योंकि सब कुछ बहुत सुंदर है. उससे पहले यार, मेरे को ना एक सेकेंड दो, मैं अपनी फ़ोटो खिंचवा के आ रही हूँ. वन सेकेंड. नेपाल में हम हैं अभी पशुपति नाथ मंदिर के बाहर, और इस वाले एरिया को भी आई थिंक पशुपति मार्ग कहा जाता है, और हम बस मंदिर एंटर कर रहे हैं. तो जैसे मंदिर के बाहर होता है भगवान जी के लिए ऑफरिंग्स एंड ऑल, वो सब आप देख सकते हो. यहाँ से हम जो आए थे वो भी गलियाँ बड़ी प्यारी सी थी, और एक बारी वीडियो बना के लाइन में लगती है. हाँ, अभिषेक कितने बजे? नहीं नहीं
स्पेशल दर्शन, हाँ नॉर्मल दर्शन, ठीक है थैंक यू। टेम्पल का क्यू है? हाँ अभी चक्कर लगा के क्यू में लगती हूँ। अंदर कैमरा अलाउड है? हाँ अंदर नहीं जा रही। So this is the cremation ground of Pashupatinath temple, that is the biggest holy temple here dedicated to Lord Shiva, and this is the cremation ground. So you can see like people doing pujas and like giving up their hair, and up there is bhajan going on. I think this is like a really intense and like a different kind of vibe, no? Where there is also like full-on religious atmosphere going on. And then there's death, there's life. Here are all the Panditjis who offer the puja to the family of those who have passed away. So I think here is where the cleaning is done, Shalom. Bye.